हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारा बैक टू होम का ट्रिप, तो हम जा रहे हैं वापस घर। तो हमें घर जाते जाते रास्ते में क्या मिला है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो, हम कर रहे हैं अपने कपड़े चेंज। हेलो, तो हम कर रहे हैं कपड़े चेंज और फिर चलो, हमें रास्ते में मिला है झरना, तो हम नहाएंगे झरने में, मस्ती करेंगे थोड़ी देर, फिर चलते हैं। तो जो भी रास्ते में घर जाते जाते हम एंजॉय करेंगे वो सब आपको दिखाते चलेंगे। जैसे कि हमने नोएडा से नैनीताल आने का ब्लॉग बनाया, तो अब नैनीताल से नोएडा जाने का ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे हो, ढेर सारा प्यार दें। इतना चिड़ू है यार, ये इतना चिड़ू है। अभी क्या हुआ, हमने बोला कि हम घर की तरफ चल रहे हैं, तो बुल्लू ने बना लिया मुंह। कह रही थी भीमताल चलो। हाँ, कह रही थी भीमताल चलो, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये, हम जाने को तो हमारा पूरा मूड था, लेकिन लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग हो नहीं रही है, बिकॉज देयर इज नो विंड। विंड होगी तभी तो पैराग्लाइडिंग कर पाएंगे। ओहो, तो हमने सोचा कि वो कैंसिल कर देते हैं और घर चले हैं। और यहाँ दिखाई दिया हमें एक झरना, जहाँ काफी लोगों ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक रखी थी, तो हमने कहा चलो इसको यहीं पर स्विमिंग करा देते हैं। इसको पता नहीं स्विमिंग का बहुत ज़्यादा रहता है, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, एकदम स्टीप पहाड़ी है, यहाँ पे चल रहे हैं हम। भैया, एक तो मैं बहुत पहाड़ियों में गई हूँ, लेकिन जितनी चढ़ाई मैंने नैनीताल में देखी है, इतनी चढ़ाई मैंने कहीं नहीं देखी। और ये देखिए, ये झरना, अभी पहुँचते हैं तो और पास से दिखाई देगा आपको। एक तो चढ़ाई के बाद निचाई, निचाई के बाद ऊंचाई, भैया ये छोटा सा रास्ता। यहाँ देखो इतनी पब्लिक आई हुई है। ओहो, ये है झरना छोटा सा, ये पहुँच गए नीचे। चलो मैं भी पहुँचती हूँ। भी आ गए हम, तुमने तो चप्पल उतारे नहीं। या श्योर। तो ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसकी हो गई हालत बुरी। तुमने चप्पल क्यों उतार, इसको क्यों उतारा है चप्पल? हाँ जी, ये देखो इन दोनों को आ रहा है यहाँ मजा, इन्होंने अपना एक स्पॉट पकड़ लिया है। वाओ वाओ वाओ, ये देखो भैया पानी में लौट जाया गया है। आराम से बेटा, आराम से। ये देखो भैया, चलो चलो चलो, ये देखो, ये देखो अपना सर गीला किया जा रहा है पहले। ये देखो मजे ही मजे, बोलो बैठ जाओ, इन पे बैठ जाओ। ये देखो भैया आ रहे हैं फुल मजे, मजे आ रहे। मोबाइल गिर गया, वो रहा ये रहा ये रहा, ये यही ब्लैक ब्लैक सा मोबाइल, देखो भैया का मोबाइल गिर गया। अच्छा गॉगल है, ओ मुझे लगा मोबाइल है। नैनीताल की रोड जो करौली बाबा से निकलती है और नीचे दिल्ली नैनीताल जाती है, और ये है झरना। में बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, मेरी तो बस की नहीं है जानी बिल्कुल भी ठंडे पानी में, लेकिन ये लोग अपना हर जगह जिम जिम, कहीं अलग नहीं रहता, नहीं चाहिए। वेरी नाइस। ये देखो छोटा सा झरना, यहाँ वो नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया। ओ भाई, इतना प्यारा लग रहा है ना झरना, कसम से बहुत ठंडा पानी है। हाँ, फुल मजे फुल मजे फुल मजे, बहुत ठंडा पानी है रे बाबा, क्या मजे। ये देखिए, इन्होंने झरने का पानी रोक दिया है, दोनों ने ये झरना जाना था यहाँ से बेचारा पूरा, और ये अपना टिका के बैठ गए दोनों। भाई दोनों को और लोगों को पानी चाहिए, हमारा शूशू पॉटी ना निकल जाए। ये देखो पूरे फुल मजे भैया, फुल मजे फुल। 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पे, 2 घंटे पता नहीं कब जाना है यार। ये देखो यहाँ पे डिप्स मारे जा रहे हैं, आज सारा जिम यही हो जाएगा दोनों का।
ये देखो बुल्लू आप कौन सी बॉडी बना रहे हो हैं? कौन सी बॉडी बना रहे हो ये? वो आपका तो पेट ही बन रहा है, बॉडी तो बाद में ही बनेगी। ठंडी लग रही? टांग का टिकरी टिकरी तुम्हें ठंडी लग रही बेटा? 2 घंटे हो गए तुम्हें यहाँ पे, 2 आवर्स हो गए, 2 आवर्स हो चुके हैं। ये देखो भैया क्या हो गया, ठंड लग रही है। ये देखो इसकी हालत देखो, ये देखो हद्दा स्टाइल। भैया बच गया, अरे भैया बच गया। देखो इन मैडम को, मैडम कोई ठंडी लग रही है? ये देखो भैया जवान खून, इन्हें ठंडी लग रही है भैया, और हमारी हालत हो रही है बुरी। ये टॉवल बना दी, ये टॉवल बन गया, चलो सही है, चले अब हैं? क्यों अब तो पूरा ये खाली हो गया, देखो कितने लोग थे यहाँ पे, एक काम नहीं रह गया, हम ही थे जो पहले आए थे, और यहाँ देखो ये देखो इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रही है। चलो बुल्लो चलो बढ़िया, ये मछली है कसम से मछली है। दोबारा पानी की तरफ भाग रही है, इसे आराम से गिर गई, बचा गिर रहे तुम पानी को भैया, ये बार बार वापस भाग रही है। बुल्लो पागल हो गई हो? चलो भैया इसे पानी से निकाल के बड़ी मुश्किल से लेके आया गया है, आराम से फिसलना नहीं भाई, फिसलने का बड़ा डर है, यहाँ पे बड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, बच्चे के साथ तो बहुत डर लगता है भाई। देखो कैसी खड़ी चढ़ाई है, ये देख रहे हो आप, ऊपर पता नहीं कहीं जा रहा है रास्ता, ये किसी के घर पर भाई। मेरे तो चप्पल ऐसे हैं और मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है इस चढ़ाई से उतरने में, तो मैं तो भैया देखो ऐसे धीरे धीरे उतर रही हूँ, कहीं कमर से ही लेने के देने पड़ जाए नैनीताल में। तो ये था पूरा झरना, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो फाइनली चेंज हो गए हैं कपड़े, यहाँ पे भी चेंज हो गए हैं, मैं तो वही पहन रखे हुए हैं, पानी में गई नहीं थी। हाँ बस मैंने अपने पैर वैर डाले थे भाई, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा चिल्ड ऐसा लग रहा था, फ्रीजर का पानी भी फेल है भाई, सीधे माउंटेन ऊपर से आ रहा था ये पानी, बहुत ठंडा था। हाँ वैसे इन सब पानियों में ना मेडिकल बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको अगर पता होगा ठेठिया ठेठिया टाइप की हो जाती है, पैरों में गांठ होती है, तो मेरे तलवे में ना थोड़ी सी गांठ है, तो मैंने इस वजह से पैर डुबोए और मेरे पैरों को इतना आराम मिला ना, मतलब हमने 3 दिन जो चले है ना, शायद मेरी सारी थकान पानी ने उतर, सारी थकान उतर गई, मैं तो पानी में सही में बिल्कुल। ये देखो मैडम ये खान पान शुरू हो गया, इन्हें किसी से पूछना ही नहीं है कि कुछ खाना है नहीं खाना है, शेयरिंग इज केयरिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, नहीं है ना है। चलो अब बोल दिया है तो फ्रेंड्स, ये कहती है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स के लिए हमें दिया गया है। हम वैसे मुझे एक बात याद आई, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, इतने सारे हिल स्टेशंस हैं राइट, मसूरी शिमला मनाली, चलो वो तो बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है वहाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, नैनीताल मुझे अभी तक का सबसे साफ हिल स्टेशन है राइट, मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, यहाँ के खुद के लोग या जो टूरिस्ट आते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, बट खुद भी गंदा नहीं करते यार, मतलब इतनी क्लीन रोड्स हैं, इतनी क्लीन रोड्स, सब जगह इतना क्लीननेस है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें तो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया मजा आया। अब हम मुझे भी यस, तो इट वाज दिस ट्रिप वाज डेडिकेटेड टू बुल्लू बिकॉज इट वाज हर बर्थडे, जिसने नहीं देखा है वो बर्थडे व्लॉग भी जाके देखिएगा, सारे व्लॉग्स हमारे जाके देखिए, खूब प्यार दीजिए, जो आप हमें प्यार दे रहे हैं वो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बट और प्यार दीजिए और प्यार देते चले जाइए, इस तरह से हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं घूमते हैं, कैसे मजे करते हैं, तो बस यही हमारा है यार, आप लोग खुश रहो हम लोग खुश रहे। देखो पहाड़ों का व्यू, और ये आ रही है गाड़ी, ये आ रहे हैं, घर
घर की तरफ निकलते हुए। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर पैदल ही चल लेती हूँ, और वो लोग खड़े हैं वहाँ सामने, दोनों मेरा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ खाने का भी है, यहाँ पे बहुत कुछ खाने का स्टॉप सा है। तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, दोनों डांस कर रहे हैं। ये पुई 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 नया सीखी है, पता नहीं क्या करना। ये देखो ये खाने का है यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ खा लेते हैं। और यहाँ मिली है पकौड़ी वगैरह, मतलब सब कुछ चीज खाने के लिए। और इसने तूने क्या लिया है? इसने लिया है नटखट टकाटक। काफी अच्छे हैं। तो मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि हम मेरे मतलब का था नहीं कुछ भी। और तो खाते हैं फिर। हमने खाया पकौड़ी और मैगी मंगवाई है अभी, तो पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई तो मजा नहीं। जो पहाड़ों की मैगी का मजा भाई, सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो बताओ कैसी लग रही है आपको मैगी? बहुत ही बढ़िया मैगी है। हैं? गरम गरम है, खाई नहीं जा रही है भाई। देखो भाप निकल रहे हैं इसमें से एकदम। और आंटी ने हमें पकौड़े भी दिए हैं। ये पकौड़े हैं क्योंकि हम चाय तो पीते नहीं, तो इसलिए हम चाय पकौड़े नहीं खा सकते, तो सिंपली पकौड़े। वाओ पोटी टाइम। एक तो हमारी ट्रिप पे ना एक पोटी टाइम अलग होता है, मतलब ये 2 घंटे तो आप लगा लो, 2 घंटे, 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, ये दोनों हकते इतना हकते भैया, इतना पोटी टाइम है इनका बहुत भैया। इतना खाते हैं ये, इतना खाते हैं और इतना हग्गू टाइम करते हैं ये, सही में यार। और यहाँ पे हम जहाँ रुके हैं ना, यहाँ देखिए इतने ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्लावर्स हैं। ये ब्यूटीफुल रोज के प्लांट है ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। पहाड़ों में तो रोज बहुत अच्छी तरह हो जाता है। और व्यू देखो आप जरा जहाँ हम रुके हैं, ये किसी का घर है, ये किसी का घर है जहाँ पे हमने मैगी खाई थी। उनके पीछे उन्होंने घर पे टॉयलेट जाना था दोनों को, चलो। तो उन्होंने बोला वाओ बुल्लू जा दिखाना। ओ वाओ भैया, ओ चलो भाई चलो अब निकलते हैं फाइनली। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं किसी के घर में से। ये देखो कुछ नहीं होता, रुको मैं कर। तो ये खड़ी है गाड़ी, बस हम निकलेंगे। यार एक पानी की बोतल ले लेते, पानी हाँ पानी की बोतल रहेगी, पानी की बोतल ले आओ जाके, पानी की बोतल रह गई है तो चलो वो भी ले लेते हैं बस। उसके बाद हम चलेंगे और कम से कम 2-3 घंटे कहीं नहीं रुकेंगे। अब हमने सब कुछ खा पी लिया है, पेट एकदम फुल है। वुल्लू आर यू फुल? नो, ये तो कभी फुल नहीं होगी। और ये बिना फुल हो के भी, ये फुल हो के बीच बीच में टॉयलेट के लिए रुकते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता इन दोनों के साथ। बड़ी बड़ी परेशानी है ये। फ्रेंड्स टेक द फ्लावर। तो आप तो एक लेके आए, ये तो इतने सारे लोग हैं। फिर ये टीना आंटी के लिए। वाओ थैंक यू। चलो जी पानी की बोतल भी आ गई है, अब लगातार भैया 2-3 घंटे चलेंगे ठीक है ना, बाद में खाना खाने के लिए बस। अब रात में कहीं खाना खाने के रुकेंगे। और मेरा काजल फैल गया, जरा इसे भी साफ कर लूं देख के। और कुछ अच्छी चीज मिली थी। हाँ जी हो गई है शाम, एक्चुअली हमको हाँ रात हो गई है, इस टाइम बच रहे हैं रात के 10:15। हम लोगों को हल्द्वानी में थोड़ा सा काम था, किसी की तबीयत खराब थी तो हमको उनको देखना था जो बहुत जरूरी था, तो हम वहाँ रुक गए थे। और वहाँ पे हमने व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि किसी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे ऐसे व्लॉग बनाना। तो हम घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पड़ा मुरादाबाद। तो आपको पता ही है मुरादाबाद की कितनी सारी चीजें फेमस है खाने में, मुरादाबाद बिरयानी, मुरादाबादी दाल। तो हमारा प्लान चेंज हो गया और हम मुरादाबाद सिटी में घुस गए, बल्कि हम बाईपास रोड पे थे। तो हमने सोचा कि चलो मुरादाबाद 9 किलोमीटर तो पता है उससे ज्यादा ही आ चुके हैं मुझे तो लग रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेशल खा के जाएंगे जब घर से बाहर निकले। घर जाके करना क्या है, कल संडे ही तो है, हम वैसे भी इसलिए निकले हैं जल्दी ताकि कल आराम कर पाए। देखो ये पूछ भैया मुरादाबाद, मुरादाबाद इधर, मुरादाबाद ही चल रहा है। मुरादाबाद पुलिस वाले से पूछे मुरादाबाद, वो कह रहा मुरादाबाद ही चल रहा है। मैं इनसे ही पूछता हूँ एक मिनट खाने की।
हम दिल्ली जा रहे थे, हमें मुरादाबाद जाके, मतलब यहाँ का फेमस पुलिस वाले फेमस वाला होटल होटल कहाँ है? अब आप पुल पार करने के बाद फेमस ही होटल है, बहुत ही मजेदार होटल होने चाहिए अंकल, सब बढ़िया एकदम मस्त खाना। अपनी जगह देख लो, चले जाओ ऐसे। ये पुल पार करने के बाद स्टेशन पड़ेगा, नारी बिरयानी बिरयानी मिल जाएगी, सब मिलेगी। ओके भैया धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो हमको एक बहुत ही बढ़िया पुलिस वाले अंकल मिल गए, जिन्हें देख के पहले मैंने बेल्ट लगा ली मैंने पहले बेल्ट लगा लो, इतने बढ़िया अंकल थे बेचारे, बोल रहे थे अरे बढ़िया एक से एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हमने कहा हम तो खाने के लिए भाई, तो पूछ रहे थे कहाँ जाना, मैंने कि हमें जाना तो दिल्ली था, हम तो यहाँ फेमस खाने के लिए मुरादाबाद में कुछ है, तो कह रहे इसे उतर के जाओ और सब मिलेंगे। तो गाइस चलो देखते हैं कौन सा होटल मिलता है, अगर मुरादाबाद से भी कोई हमारा व्लॉग देख रहा है तो कमेंट्स में बताना कि जिस होटल पे जा रहे हैं क्या वो फेमस है या हमें कहीं और जाना था, तो ऐसे प्लीज बताना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुरादाबाद मुझे एक बार और आना है क्योंकि अब तो हम रात में यहाँ पहुंचे हैं। सो सी अब आपको लग रहा है कि टाइम में गलत बता रही हूँ, इट्स 10:18 अगर आपको दिख गया होगा तो रात के 10:30 बज रहे हैं अभी तक, तो सारी मार्केट खत्म हो जाती है। बल्कि मैं तुमसे आते हुए यही बोल रही थी है ना कि कभी हम मुरादाबाद आएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत रिटर्न हो जाएगा। हाँ एक दिन में रिटर्न हो जाता है, नहीं हो जाता क्योंकि मुझे पता चला कि मुरादाबाद में बहुत ही अच्छे डेकोरेशन के पीसेस मिलते हैं। तो बाकी हमारा ब्लॉग कोई भी मुरादाबाद से देखे तो हम आने का दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप हमें बताना कमेंट्स में कौन सी जगह कौन सी मार्केट अच्छी है। पक्का बनाऊंगी मैं, मुझे तो पक्का बहुत सारा सामान खरीदना है, इसलिए अब चलते हैं देखते हैं कहाँ खाना खाते हैं। तो ये मिली है एक जगह, टेस्टी नाम है और शमा नाम है, यहाँ पे पहलवान कॉर्नर है। तो चलो आओ देखते हैं कहाँ खाते हैं, चलो 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 जल्दी आओ। ये बन रहा है शॉर्मा, ये सीख कबाब के लिए है। वेज हेटर वेज लोग हेट ना करें प्लीज, क्योंकि क्या करें हमारा यही दिल करता है। देखो मैं बिरयानी है और बहुत अच्छे चिकन कोरमा मटन कोरमा है इनके यहाँ। तो चलो, तो हमने मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं लगाए, सब खत्म कर बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी यार, इतना स्वादिष्ट मिल गया ना, दिल का खाना यही दिल का खाने का, और वो मिल गया खाने को। उल्लू इज़ हैविंग अ बिरयानी, क्योंकि पता है घर जाके कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आई एम हैविंग साबी साबी कबाब, मस्त एकदम मिंसिंग इन द माउथ, या मिंसिंग इन द माउथ लिटरली, इतने टेस्टी। मेरी मम्मी बनाती हैं मस्त, उसके बाद मैंने ये खाए हैं जो मम्मी के मुकाबले के तो नहीं है लेकिन मस्त है। बहुत सही दुकान थी यार, पता नहीं कहाँ से हमें कैसे मिल गई, ढूंढते 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 आए हैं, मज़ा आ गया। तो गाइस खाना खा लिया, कसम से भाई वास्तव में बहुत टेस्टी था मुरादाबादी खाना, जो कि फेमस था बोलते थे मुरादाबादी। बाकी हमें दाल नहीं मिल पाई, जो लोग बोल रहे थे वो लोग की दाल ख़त्म हो जाती है तो दाल नहीं मिल पाई। बाकी हमने मुरादाबादी बिरयानी खाई, मटन कोरमा खाया, मटन शामी कबाब खाए, और वो क्या था रोटी में डॉक्टर, शावरमा, और बिल भी कितने का आया वो भी बताओ। Only 620 620 रुपए बिल था इतना खाना खाने के बाद भी। यार कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और नोएडा शहर में रह के ना लिटरली यार हमारे खर्चे खाने के बहुत हैं। बहुत भाई, वहाँ तो बहुत महंगा है, दिल्ली चले जाओ खाने या नोएडा में आप देख लो। मेरे हिसाब से अगर जो दो लोग जिक्के शावरमा खा ले तो 600-800 रुपए बैठ जाता है। 500 रुपए के 4 पीस आते हैं नोएडा में, दिल्ली में भाई साहब पूरी, मतलब इन्होंने वो कटिंग वाला नहीं दिया, ऐसे पूरा शावरमा रोल की तरह दे दिया। अब बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज्यादा मजा आ गया यार। कम से कम मुझे तो कभी कभी वही, मैं दोबारा बात कहना चाहूंगी
मुझे कभी भी लगता है नोएडा वाडो छोड़ के ऐसे छोटे शहरों में आकर रह लो। मुरादाबाद सही में, यहाँ पे जो रेंट हम देते हैं घर का, यहाँ पे जो हम खाने पीने का हमारा खर्चा है, हमारा मतलब जो भी यहाँ नौकरी करते हैं, बट बिजनेस तो हमारा नोएडा में ही है। कसम से, मतलब जैसे कहते हैं ना, इतना आपका पैसा बचेगा ना, इतना पैसा बचेगा कि क्या बताऊं मैं। घर भी सस्ते, घर खरीद लो यहाँ पे आपको नोएडा में, छोटे से छोटा घर भी 50-60 लाख रुपए का तो मिलेगा नोएडा में। हाँ, अरे अरे नहीं, फ्लैट फ्लैट, हाँ फ्लैट तो मिल जाएगा 50-60, और यहाँ 50-60 में आपको जमीन से लदी हुई कोठी मिल जाएगी। हाँ, ये तो है, जिसमें आप 4 मंजिल तो कम से कम बना ही सकते हो, और वो भी अच्छे एरिया में। मतलब हमारा तो सारा बिजनेस तो नोएडा में ही है ना, हमारा सब कुछ नोएडा में है, मेरी नौकरी नोएडा में है, तुम्हारा काम नोएडा में है, वो सब है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, फिर नए शहर में आके ये हो जाता है दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम नो स्क्रैच, एकदम शुरू से। बट यार जो भी है, मतलब मैं बचपन में ना नानी के यहाँ जाती थी अपनी मुजफ्फरनगर, बाय गॉड मैं सही बता रही हूँ, बचपन में जब हमारी शॉपिंग होती थी ना, चलो वो सालों की बात चली गई, बहुत दूर की बात है वो, लेकिन फिर भी आज भी अगर मेरी मम्मी मेरी नानी के यहाँ जाती है मेरी बच्ची को लेके, तो भाई इतना सस्ते में कपड़े लेके आती है ना वहां से, आज भी सस्ते में कपड़े मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलते, शहरों की बात ही अलग है, ये बात तो है यार। और मुरादाबाद जब पहली बार आए और मुरादाबाद ने हमें खुश कर दिया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जो भी मुरादाबाद से हो यार, कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्लीज हमको बताना कि कौन सी और जगह थी यहाँ खाने की, बिकॉज लेटर ऑन जब हम निकले हैं तो हमें किसी ने बताया गुलशन चड्डा सिनेमा कुछ चड्डा बताया सिनेमा हमको पास। हाँ, तो प्लीज अगर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हमें बताना कि क्या है जगह। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या व्यू है, ये देखो हम कहाँ है, जो भी हमें देख रहा होगा, ये लाल कोठी आई थिंक, जो पीली कोटी को हम क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज, तो ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद में नहीं है, वी आर एट मुरादाबाद ओनली। कई कई बार पता है इतने अजीब अजीब टाइप के कमेंट आते हैं, आप नोएडा में घूम रहे होते हैं और हमको बेवकूफ बना रहे होते हैं। अरे ऐसे कैसे बेवकूफ बनाता है कोई यार, कौन है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, आता है ना बीच में, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, तो मैं भी ये सोचती हूँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब घर से इतने दूर निकले हुए हैं और लोग कहते हैं अरे हमें बेवकूफ बना रहे हो, क्यों बनाएंगे हम आपको बेवकूफ, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपके आसपास ही होंगे लोग, हम क्यों बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि घर से इतनी दूर निकल के आपको बोलेंगे कि हम वही हैं, क्या यार। ये तो वही आ गया ना जब पुलिस वाले से पूछा था, हाँ जब पुलिस वाले से पूछा था, ये वही जगह आ गई है दोबारा से, तो हमको इधर से जाना है, ये तो इधर, इसने मेरे शीशे के यहाँ से कर्टन हटा दिए, ठीक है, और ये देखिए यहाँ में अच्छे खासे हम लोगों ने कर्टन लगा रखे हैं, और पीछे लगे हुए हैं कर्टन बुल्लू के, लेकिन इसने मेरे कर्टन हटा दिया। नाउ आई एम आस्किंग हिम कि प्लीज पुट माय कर्टन बैक, सो ही इज आस्किंग व्हाई, तो व्हाई का जवाब क्या दिया, प्राइवेसी खत्म, मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है इस चीज से, लोग मुझे बाहर से अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा अपना प्राइवेट स्पेस चाहती हूँ, और प्लीज मेरे ये कर्टन वापस लगाए जाए, अभी लगाएंगे मैम, गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है, पी पी पी, या एक तो पता नहीं एक बात है यहाँ पे इतना पी 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 पी, भैया नोएडा में तो सुनाई नहीं पड़ता है पी 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 पी, मतलब किसी जगह बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट टेलिंग, हर शहर अपने में डिफरेंट होता है, हर शहर अपने में अच्छा होता है, बट नोएडा में भी होते हैं ऐसे, नोएडा और ये छोड़ो तुम मेरे कर्टन लगाओ यार, ठीक है ना, तुम अपनी तरफ ही खोल के बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे से, बट यहाँ के लगाओ तो मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है बहुत ज्यादा, लगाओ ओ भाई पीपी पीपी मिस्टर पीपी यूपी 21 निकलो निकलो भैया, लेट पता नहीं क्यों होते लोग, इतना हॉर्न बजा के कहाँ उड़ जाएंगे, और सामने ही चल रहा है, इतनी दूर गया नहीं है, आ गई है हमारे नाइट व्यू ऑफ मुरादाबाद, शीशा हमारा गंदा है, डोंट माइंड बहुत दूर है, मैं रुका था यहाँ पानी लेने ऐसे ही रेस्टोरेंट पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था, प्यास लग रही थी, और इन्हें देखो गाड़ी में, भाई साहब
ये देखो एक ये सॉरी एक पीछे कमल लड़का ओए अरे ओ गड्ढा ये क्या कर रखा है सुबह संग क्यों मचा रखा है हैं सो क्यों रहे हो पागल है क्या बंद कर दिया देखो भाई साहब कब नींद में सो रखे हैं देखो ही नहीं मैं पानी लेने गया था पानी लेने गया था पानी बनाने गया था पानी कुएं से लेके आया हूं तुम्हारे लिए लग तो ऐसे ही रहा ये देखो भाई साहब ये तो खर्राटे चल रहे हैं कंबल उंबल लेके उड़ के मस्त तक सुहा सु खर्राटे चल रहे हैं चले अब भाई घर ले चल भैया तो चलो तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नोएडा हाय नोएडा ये देखो अभी नई नई ना ये G20 था तो ये नई नई लाइटें लगी हैं अभी हमारे घर के पास बहुत अच्छा लगता है नाइट का व्यू एकदम यहाँ से अभी थोड़ा शीशा हमारा ऑफिस ही बात है इतनी लॉन्ग ड्राइव से हम आ रहे हैं तो शीशा थोड़ा सा गंदा है सॉरी फॉर द ब्लर व्यू बट वी आर बैक एग्जैक्ट बज रहे हैं 2 और इसने मुझे बोला था कि 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे अब मैं ही बहस कर रही थी मैंने कहा 2 बजे नहीं पहुंच पा लड़का भाई हैवी ड्राइवर है हैवी हैवी तो मैंने चलाई भी नहीं बहुत स्लो स्लो हां ये तो है हैवी नहीं चलाई 80 से ऊपर चलाई नहीं अपनी गाड़ी का एवरेज तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर तो भाई बहुत मजा आया इस ट्रिप पे आपने सारी ट्रिप तो देख ही ली तो ये ट्रिप पहली हमारी न्यू कार के साथ भी थी जो कि हमारी लॉन्ग ड्राइव थी कि अपनी नई गाड़ी में हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमें यही था कि क्या एवरेज देगी क्या माइलेज देगी कैसी चलती है तो भाई गाड़ी बहुत ही अच्छी चली है और एवरेज इतना प्यारा निकाल के दिया क्योंकि अभी तक एक भी सर्विस नहीं हुई गाड़ी अभी नई की नई हम ऐसे ही इसे लेके गए थे तो भाई मैं आपको दिखाऊं कि क्या एवरेज दिया ये देखो मैं आपको गाड़ी का एवरेज दिखाता हूँ यहाँ से इसका एवरेज आता है तो इसने एवरेज दिया है भाई 18.9 का मतलब 19 का एवरेज निकाला है मिनिमम और अभी तक चलेगी 325 किलोमीटर और चलेगी और भाई अभी तक हमने अपनी गाड़ी टोटल कितनी चला दी ये हाँ ये टोटल ही है यहाँ से दिखता है टोटल हाँ ये चल गई है 1117 किलोमीटर और जो मेन ट्रिप थी जो कि मैंने यहाँ से जाने से पहले की थी ये थी मेरी ए ट्रिप इस ट्रिप पे हमने गाड़ी चलाई है 726 और बाकी हमने यहीं लोकल में अपनी गाड़ी चला ली थी तो भाई गाड़ी ने एवरेज बहुत ही प्यारा दिया है कसम से गाड़ी ने जो एवरेज दिया ना एवरेज ने तो दिल खुश कर दिया गाड़ी बहुत ही अच्छी है अब बहुत ही प्यारे भाई किसी को भी लेनी हो तो मैं तो बोलूंगा बलेनो ही ले वेलकम होम ओए होए तुम कौन हो तो ये देखो हम ऐसा ही घर छोड़ के गए थे और हमारा घर ऐसा ही मिला हमारा घर हमें मिस कर रहा होगा कि हम इतने दिनों से कहाँ चले गए तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं घर ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं जो व्लॉग डेडिकेट था हमारी न्यू कार और लोगों की बर्थडे तो फाइनली बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया तो इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार देना तो लव यू ऑल बाय बाय लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लव यू ऑल बाय बाय गुड नाइट